टेक्सटाइल डिजाइनिंग पढ़ी थी अमेरिका से और अब कर रही हैं एक्टिंग पाकिस्तान में, मोहतरमा तारा महमूद। अदबी अज बीवियां वास्ते आ। अच्छा, सारियां बीवियां नु ब्यूट है, हर बीवी बहुत ही क्यूट होती है। वाह, अच्छा, हर बीवी बहुत ही क्यूट होती है जब तक वो साइलेंट और म्यूट होती है। मेरा शेर छोटे दिलां से, हाँ, जिन्हां दे दिल टूट जांदे ने एवें ही, जी जी जी, उन्हां लई जो लोग चाय में अल्फी डालकर पीते हैं उदास। क्या क्या क्या? जो लोग चाय में अल्फी डालकर पीते हैं उदास, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। मैं तो खामोशी हो गया हूँ इस शेर के बाद, बिल्कुल, कि आपने क्या खूबसूरत बात कर दी है उदास साहब। थैंक यू। तारा, आपने टेक्सटाइल डिजाइनिंग पढ़ी अमेरिका से और उसके बाद आप कुछ 6 साल अमेरिका में काम भी करती रहीं और फिर आप एकदम वापस आ गई पाकिस्तान। बिल्कुल। तो ये वापस क्यों आई पाकिस्तान, जब इतना एक आपने पढ़ाई भी वहाँ की, 6 साल लगाए भी अमेरिका के अंदर, तो क्या चीज वापस खींची आपको? बस ये सोचा वापस आ जाए। हाँ। और फिर वापस आई तो फिर वापस अमेरिका नहीं गई? वापस अमेरिका नहीं गई और वापस आते ही मुझे एक्टिंग में घुसाया गया। प्लान था आपका एक्टिंग वगैरह करने का? बिल्कुल भी नहीं, मैं तो सोचा भी नहीं था कभी एक्टिंग करने का, लेकिन इत्तेफाक से मैंने सुना, आपके दोस्त ही मुझे बताए थे कि आपकी दिली ख्वाहिश थी कि आप मेरे साथ काम करें और बड़ा मेरी दिली ख्वाहिश थी, जो मेरे दोस्त बता रहे थे आपको, माशाल्लाह जी, आपके दोस्त मुझे जबरदस्त सोर्सेज हैं आपकी। अच्छा, बड़ा इत्तेफाक हुआ कि मेरा पहला डेब्यू जो था वो आप ही का लिखा हुआ था। और फिर क्या ही लिखा होगा मैंने जिसके अंदर मेरे दोस्त ने काम किया। पहले दो जो मैंने सिटकॉम्स किए थे वो आप ही ने लिखे। मगर आपने सिंगिंग की बाकायदा जिसे कहते हैं तालीम हासिल की, आप रियाज वगैरह करती थी बचपन में एक्चुअली में, यानी कि सिंगर बनने का था आपका प्रोग्राम? उस्ताद फतेह अली साहब से सीखा था। और कितने अरसे आपने सीखा? कुछ साल सीखा था, फिर उन्होंने क्या ना कि बेटा तू नहीं सीख सकती तो अमेरिका चली जा। और एक्टिंग जो कि आपने आके एक्सीडेंटली शुरू कर दी, वो एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। अभी मेरा पहला जो सिटकॉम चला था वो पीटीवी पे चला था, इंस्पेक्टर खोजी, तो मैं इतनी घबरा गई, मैंने कहा मैंने नहीं करना, ये नहीं हो सकता। फिर उसके बाद एक और ड्रामा आप लोगों ने ऑफर कर दिया था, फिर मैंने कर लिया। अब तो आप धड़ाधड़ सीरियल्स के अंदर काम कर रही हैं, अब तो ऐसा लगता है जैसे कि आपने बकायदा प्लान करके एक्टिंग की है और अभी कामयाब भी हो रही है। हाँ, मैंने डिसाइड किया कि अच्छा करते हैं ये, लेट्स सी क्या होता है। बड़ी बात है कि आप इनका पहला ड्रामा करके और बिजी हैं। आप सोचेंगे नहीं अभी तक, मतलब वो मैंने 2005 में किया था, 2005 और 2006 में मैंने रबर बैंड और इंस्पेक्टर खोजी किए थे। और अभी जब मैं फ्लाइट पे आ रही थी तो एक आंटी मेरे साथ मिली थी, कहती है तुम्हें तो मैंने रबर बैंड में देखा था, इंस्पेक्टर खोजी में देखा था। ये बात उस तरह मुंह करके बताइए। कितने साल हो चुके हैं इस ड्रामे को? 2005 से आप काउंट कर लें कितने, यानी कि 13 साल पुराने ड्रामे की रिकॉल अभी तक आ रही है। अभी तक तुम 13 साल पहले लिख दे सी तो हुण भी लिख रहे जे, तन्नू लिखना क्यों नहीं आ कर रही है। वहाँ पे आपने इस लड़के के साथ भी काम किया हुआ है? बिल्कुल, मैं पहली बार इनको मुकाबल के सेट पे मिली थी और इन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी और वो प्ले भी माशाल्लाह बहुत अच्छा चला था। अच्छा, तो ये सही काम करते हैं? सारा वगनी गाते ज्यादा थे और काम दो। अच्छा, वहाँ भी गाते रहते थे सारा वक्त? तो ये बीमारी सिर्फ यहाँ की नहीं है? नहीं, यानी कराची में भी इस बीमारी के सिग्नल आ रहे होते हैं। और एक्टिंग सेक्टिंग सही करता है? बहुत अच्छी, सलीके से रहता है सेट के ऊपर, कोई शिकायत वगैरह है तो दे इनको ना। अब तो बहुत फिट हो गया है पहले से, पहले कड़े टूट गए तो डेग पेंदे थे, छोले छोले बना लिए, पहले मसलन पहले की सी कि रोटी चोके कंच पा लेंदे थे। असद ना करें, अगर उस लड़के के सिक्स पैक हैं, आपको मैंने कितनी दफा कहा है सिक्स पैक की फायदा, चुई जा मुंह ते सिक्स पैक ही है। देखो ना, फिट होवे बंदा इंज दा गोभी वर्गा मुंह होए ते वन मैच। हां जी, गोभी वर्गा मुंह होवे ते नाना पाटी वर्गी दाढ़ी होवे। अब आप देखे जलसी नहीं, अच्छी बात, सारे काम करो मोहसिन भाई, वन व्हीलिंग छोड़ दियो बस। कब करता हूं वन व्हीलिंग कर करके ते तुम्हारे गोडे रगड़े गए ने, वेखो यार, ये एक फैशन है। अच्छा, ये फैशन है? आपको क्या पता, लोगों का मुंह काला होगा, उन्होंने गोडे हो गए।
यार अगर उस लड़के को तारीफ कर रहा है, एक देखें एक चीज को ना आप एक्सेप्ट करें, कैसर पिया साहब और उदास साहब, ये उसका टैलेंट है कि वो फिल्म के अंदर भी चल जाता है, वो टीवी के अंदर भी चल जाता है, वो सिंगिंग के अंदर भी चल जाता है। बॉर्डर वाले पास ना जाना, नहीं तोप जरा के उन्होंने चला देना। आप मैरिड हैं? नहीं 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 नहीं। और कोई खास वजह? वैसे तो हमें नजर आ रही है मगर फिर भी कोई खास वजह? वैसे करियर। अच्छा हाँ, करियर की वजह से। करियर की वजह से हाँ। क्या कोई मतलब कोई क्या पूछना चाहते हो? कोई स्पेसिफिकेशन है आपके स्पेसिफिकेशन है आपके ज़हन में कि कैसा लड़का चाहिए आपको? नहीं कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, बस ऐसे ना हो। आपने लास्ट टाइम वोट डाला था? जी बिल्कुल डाला था। और मैं और आपने जिनको डाला था? मैं शायद उन्हीं को डालूंगी दोबारा। अच्छा उन्हीं को आप डालेंगे, आप पक्की हैं अपनी चॉइस के ऊपर? हाँ बिल्कुल। और आपको लगता है कि वही डिजर्व करते हैं वोट जिनको आपने लास्ट टाइम? वेल जिस तरह ये कह रहे हैं, हमें पता नहीं कौन किसको टिकट मिलेगा जिस सीट पे हम लोग वोट कर सकते हैं, सो देखेंगे। लेकिन ऑफ कोर्स पार्टी पे एफिलिएशन है ना। यू आर गोइंग बाय द पार्टी हेड। पार्टी वो टिकट उन्हें देंगे जरा सही ईमानदारी नाल झूठ बोल सके ना। फिर तो साडा दोवां दा बंदा। मगर वैसे आप लोग ने वोट डाला था? जी माशाल्लाह। तो आप इस बार भी तैयार हैं डालने के लिए? इस बार भी डालेंगे इंशाल्लाह। बनाया ज़हन आपने? वोट हमारा इमरान खान का है। अच्छा निकलेगा नवाज शरीफ। और आप उदास साहब? नहीं मेरा तो अभी वोट ही नहीं बना। वोट नहीं बना अभी, एज नहीं है ना इतनी। सही बात, आज अगर नहीं बना तो और 5 साल ठहर जाओ, फिर नहीं जरूरत पड़ेगी। सर शऊर आ गया बंदियां नूं, मैं हुण जिन्हूं वोट पाना ना, जिन्नी देर तक उन्हें 3 प्लेटां बिरयानी दी ना खवाईयां, मैं उन्हूं पाना नहीं गा हुण। कहवे एक प्लेट ते वोट पा दिओ, 3-4 होणियां चाहीदियां। यार ये कब बिरयानियों से निकलोगे? असीं नहीं निकलना, लै भुखे मर जाईए हुण। मैं ते अपने वाला साहब नूं नहीं बुलाना। क्यों क्यों? ओ 700 रुपया ला के वोट पाता बंदा, 1000 दे लैंदा। चल बहुत अच्छे भाई। तमाम अहले वतन को मुबारक हो, लोड शेडिंग का चांद नजर आ गया। अरे यार मैं तुहानू एडवांस खबर दे रहा भाई, शहरी आबादियों में 8 से 12 घंटे लोड शेडिंग होगी और देही आबादियों में 8 से 22 घंटे। अल्लाह अकबर। महकमा मौसमियात किन्ना फाल हो गया, होर तरक्की केनू कहिंदे ने, ये मैं तुहानू खबर दे दित्ती है, बाद च महकमा जिम्मेदार नहीं होगा। बड़ी बुरी खबर दी है की फिर महंगी हो जाएंगी बैटरियां, फिर चंगे रहोगे? नहीं मगर वो हुकूमत ने तो इतने पावर प्लांट लगाए तो वो कह रहे हैं अब तो बिजली नहीं जाएगी। केड़ी हुकूमत? हमारी हुकूमत। किथे? इत्थे पाकिस्तान में। कौन कहंदा? वो हुकूमत वाले। तुसी किथे वेखिए? टीवी पे बयान देते हैं। मैं इन्ना हो गया नौकरी करना, मैं तो कभी वेखी नहीं, तुसी कितों वेख लई? तू ऐनक लाए ते वेखे देख रहे जे ए तुहाडी शायद उत्ते गल्लां करदे ने यार, पर 2 मिंट जिन्ने मैं थाने लाए जावां तिन्ने लग पता जावे। ओए कामरान शाह साहब? नहीं 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 नहीं, अपना मुजाहिद आबाद साहब? नहीं दोनों मिक्स करो। आ कामरान मुजाहिद साहब? बिल्कुल। ओ ले आ डाला। क्यों यार? हेलो क्यों? ओ सर इन्हें खर्चा करना तो मैं तो खर्चा करना। क्यों? ओ जद ओ कह रही है मैं मर गई शौकत अली, फिर ओ तो ड्रामा बनाने की क्या लोड़ है? ओ एक तो मर गई बेचारी, एक तू मेहमान ले आंदा ने। क्या मतलब कहां? ये तो आएगा बड़ा बिजी है, तो ये कितों आ गया? बस हमने कर लिया। ओए मेरा बड़ा फैन है। आप इनके फैन है? मैं इनका बड़ा फैन हां। ओ मैं थोड़ा ड्रामा देखा जी, लव लाइफ और लाहौर जी, माशाल्लाह तुसी ते लह दे गए हो जी। वैसे ओदे डायलॉग भी बड़े अच्छे सन। अच्छा ते ये की काम करदे ने? ये ते चंग बाजार ने कपड़ा बेच दे ने। ओ ते लिखे हुंदे ने ते तां करदे ने ना। आपने कोलो की करदे ने? एक्टर है। ए करदे ने? हां किथे? मैं ते नहीं कदी वेख्या। माशाल्लाह ते अपना भाभी भी हुण नाल ड्रामे च ही है। भाभी नहीं है ओए, अलग गेस्ट है ये। अच्छा अलहदा ने? हां माशाल्लाह अलहदगी हो गई है। अरे नहीं यार बोले, उनकी शादी उनसे नहीं हुई हुई ते ओ फिर जलालत जड़ी मैं भुगती हूं कितने की। और ओ ते है सी, मैं आ वेखे निकाह खान भी उथे है यार। शादी कामरान मुजाहिद की शादी वैसे हुई हुई। अच्छा, है उनकी फैमिली वैसे है। अच्छा वैसे दी वैसे ही है।
अरे वैसे उनकी शादी है, उनकी फैमिली है, तारा की शादी नहीं है, उनकी फैमिली वो नहीं है। एक तो थोड़ी समझ नहीं आती, कहते भी उसकी फैमिली नहीं है, नाले कहते उठे ये यार ये तारा महमूद है इनकी। अच्छा ओ ये ते बड़े बड़े ग्लूकोस ने, ग्लूकोस नहीं है सर 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 अपना सिंगर ने अदाकारा है, अदाकारा ने माशाल्लाह तारा साहिबा जी ये ते कराची दे ने जी बिल्कुल, ये आपस में किवें मिले सन? नहीं पहली दफा यहां मिले, पहली दफा माशाल्लाह ते वो भरजाई है ना ओ भी नहीं नहीं ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਲਿਆ ਡਾਲਾ ਕਿਉਂ ਉਹ ਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਭਾਜਣ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਗਲਖਾਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਜੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆ ਉਹ ਹੀ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਮਾਨਤ ਚੰਦ ਆ अमानत चंद सर की गल कर रहे हैं आपको अमानत चंद समझ रहे हैं? हाँ नहीं सर नहीं 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 सॉरी तारिक डैडी इजाजत है जी। ओके जी अल्लाह दे वाले।